हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2021 मारुति सुजुकी सेलेरियो। सेलेरियो का प्राइस 4.99 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है एंड टॉप वेरिएंट का प्राइस है 6.94 लाख रुपीज़। सेलेरियो के अंदर आपको टोटल 4 वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं जो कि हैं LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus। और अब इंजन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर सिर्फ एक इंजन ऑप्शन ऑफर किया जाता है जो कि है 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 67 पीएस की पावर और 89 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और इसकी एयर ए क्लेम माइलेज है 26.68 kmpl। एंड ये इंजन आपको ऑफर किया जाता है 5 स्पीड मैनुअल या फिर 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ। एंड AMT का ऑप्शन आपको यहाँ पे इस कार के अंदर VXi वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। एंड अब कार के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी कार के लिए सबसे अच्छे कार परफ्यूम के बारे में जो कि है इन्वॉल्व 1 के कार परफ्यूम्स। ये परफ्यूम्स आपको काफी अच्छी फ्रेग्रेंस ऑफर करते हैं और साथ ही काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये इजीली अराउंड 60-70 डेज तक आपकी कार के अंदर फ्रेग्रेंस बनाए रखते हैं। तो अगर आप भी इन्हें बाय करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और 10% का डिस्काउंट भी आप पा सकते हैं द कार शो कूपन कोड यूज करने के बाद। चलिए अब बढ़ते हैं वापस से कार की तरफ। तो इस पर्टिकुलर कार की बात करें तो गाइस ये है सेलेरियो का टॉप ऑफ द लाइन ZXi Plus AMT वेरिएंट और इसका एक्सशोरूम प्राइस है 6.94 लाख रुपीज। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है फ्रंट व्हील के ऊपर। उसके साइड्स पर आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं जो कि सीधा जाकर इसकी हेडलैम्प से मर्ज हो जाते हैं। हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए गए हैं जो कि आते हैं साइड टर्न इंडिकेटर के साथ। एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे पार्किंग लाइट की प्लेसमेंट भी मिलती है। हेडलैम्प यूनिट के नीचे आपको यहाँ पे फॉग लाइट भी मिल जाएगी एंड यहाँ पे भी आपको इसमें हेलोजन बल्ब भी ऑफर किया गया है। और कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल का लुक। अभी आप इस कार का रेड कलर देख रहे हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। इसके अलावा आपको 5 और डिफरेंट ऑप्शन भी मिल जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कार के साइड प्रोफाइल की तरफ एंड देखते हैं कि आपको साइड प्रोफाइल में इस कार के अंदर क्या क्या ऑफर किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे कार के साइड प्रोफाइल में आते ही देखने को मिल जाएंगे 15 इंचेस के फुल ब्लैक फिनिश के अंदर अलॉय व्हील्स जो कि आते हैं 175/60 R15 सेक्शन टायर्स के साथ। एंड योकोहामा के टायर्स यहाँ पे आपको कंपनी ऑफर कर रही है और साथ ही आपको यहाँ पे फ्रंट पे फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स ऑफर की जाती हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइड टर्न इंडिकेटर की। तो आपको इसके साइड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी इसके ओवरवीएम के ऊपर। एंड इस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट के साथ फोल्डिंग ऑप्शन भी मिल जाता है इनके ओवरवीएम्स के अंदर। एंड सिर्फ इसी वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे फोल्डिंग ऑप्शन इस कार में ऑफर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डोर हैंडल मिलता है जिसके साइड पे आपको यहाँ पे एक ट्रिकवेस्ट सेंसर दिया गया जिसकी प्लेसमेंट मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऑड लगी। और कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का कंप्लीट साइड प्रोफाइल का लुक। डायमेंशंस की अगर बात करें तो गाइस इस कार की ऑल ओवर लेंथ है 3695 mm, विड्थ है 1655 mm और हाइट है 1555 mm। इस कार के अंदर आपको टोटल 2435 mm का व्हील बेस ऑफर किया जाता है और इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। चलिए अब बढ़ते हैं कार की बैक प्रोफाइल की तरफ एंड देखते हैं कि आपको यहाँ ZXi Plus वेरिएंट के अंदर बैक प्रोफाइल में क्या क्या इस कार में ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाती है हेलोजन बल्ब्स के साथ टेल लैंप जो कि आती है साइड टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स पार्किंग लाइट के साथ। उसी के बिल्कुल साइड पे आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगी सेलेरियो की बैजिंग एंड बूट के सेंटर में आपको यहाँ पे इसमें दिया जाता है सुजुकी का लोगो। उसके नीचे आपको यहाँ टेलगेट ओपनर मिलता है, साथ ही आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया कार को लॉक या अनलॉक करने के लिए। आप सिर्फ इसे एक बार ही प्रेस करके कार को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। ऊपर की साइड पे आपको यहाँ रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों ही चीज़ें मिल जाएंगी और रूफ आपको यहाँ पे इस कार के अंदर पूरी की पूरी प्लेन ऑफर की जाती है। एंड अब बढ़ते हैं इसके नीचे बम्पर की तरफ। तो नीचे बम्पर पर आपको यहाँ पे इसमें दो रिफ्लेक्टर्स ऑफर किए जाते हैं और साथ ही आपको इन्हीं रिफ्लेक्टर्स के साइड्स पे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं और रिवर्स पार्किंग कैमरा का ऑप्शन आपको यहाँ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर भी इस कार में नहीं मिलने वाला है। और कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा कार का कंप्लीट बैक साइड का लुक। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर एंड चलकर चेक करते हैं कार के इंटीरियर्स को। तो ये गाइस इस कार का ड्राइवर साइड डोर और यहाँ पे भी आप रिक्वेस्ट सेंसर को देख सकते हैं और टोटल 3 जगहों पर आपको यहाँ पे इस कार के अंदर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। चलिए अब खोलते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर। तो ये है गाइस इस कार का ड्राइवर साइड डोर जो कि आपको मिल जाता है सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के अंदर। यहाँ पर आपको इसमें मिल जाती है सबसे पहले कुछ स्टोरेज स्पेस आर्मरेस्ट के साथ। नीचे की साइड पर आपको यहाँ पे एक बॉटल होल्डर मिलता है, साथ ही आपको स्पीकर दिया गया और गाइस इस कार का डोर काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है तो कार के अंदर एंटर या एग्जिट करने में आपको यहाँ पे ऑल ओवर अच्छी डिसेंट स्पेसिंग मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर। तो गाइस कार के अंदर आती है आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलती है मैनुअल एडजस्टमेंट ड्राइवर साइड सीट के लिए एंड इस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का भी इन सीट्स के अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और कुछ ऐसा आपको मिलता है कार के इंटीरियर्स का फर्स्ट लुक।
कीज की बात करें तो यहाँ पे आपको इस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरह की स्मार्ट कीज ऑफर की जाती हैं, जो कि आती है लॉकर अनलॉक के बटन के साथ, और इसके लोअर वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे नॉर्मल की ही इस कार के अंदर ऑफर की गई है। चलिए अब कर लेते हैं कार का इग्निशन ऑन। आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, जिसको हम दो बारी प्रेस करेंगे तो आपकी कार का इग्निशन ऑन हो जाएगा। एंड कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इस कार में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि आता है व्हाइट एंड ऑरेंज इल्यूमिनेशन के साथ। इसके सबसे पहले सेंटर में आपको मिलता है स्पीडोमीटर, और राइट में आपको उसके दी जाती है एक डिजिटल स्क्रीन, जिसके अंदर आपको मिलता है आरपीएम मीटर और साथ ही फ्यूल गेज भी, और बाकी सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी आप यहीं पर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि किलोमीटर्स ड्रिवन, एवरेज, रेंज और ट्रिप मीटर्स को। और कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको इस कार के अंदर स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको इसमें नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील दिया गया, लेदर आप वगैरह आपको यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर भी नहीं मिलेगा। सिल्वर इंसर्ट्स आपको यहाँ इसमें दिए गए हैं, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, साथ ही आपको नीचे की तरफ उसके टेलीफोनी कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, और स्टेयरिंग के पीछे आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसमें हेडलैम्प के लिए टॉगल, जिसके साइड पे आपको यहाँ पे फॉग लाइट के लिए भी मिल जाएगा। उसके दूसरी साइड पे आपको मिलता है वाइपर के लिए टॉगल, और स्टेयरिंग व्हील को आप सिर्फ टिल्ट वे में एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको किसी भी वेरिएंट के अंदर इस कार में नहीं मिलने वाला है। साइड पे आपको उसके सर्कुलर एसी वेंट मिल जाएगा, नीचे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिलता है, साथ ही आपको मिलता है ऑटो इंजन ऑन ऑफ का स्विच, और इस साइड पर आपको यहाँ पे दिए गए सभी ओआरवीएम के कंट्रोल्स। उसके बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे इसमें मिलता है हेडलाइट लेवलर, जो कि कहीं ना कहीं गैस नॉब की तरह लग रहा है, और नीचे आपको उसके कुछ इस तरह के दो पेडल्स ऑफर किए गए हैं, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक वेरिएंट है। और अगर अब बात करें इस कार के कंप्लीट डैशबोर्ड की, तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर पूरा सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के अंदर ही डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलता है, और कुछ ऐसा आपको कंप्लीट लुक मिलता है इसके डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड लेआउट के सेंटर की अगर बात करते हैं, तो सेंटर में आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा एक 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आता है काफ़ी सारे फीचर्स के साथ। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले ऑफर किया जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे AM, FM, DRM, USB, AUX और ब्लूटूथ का ऑप्शन भी मिल जाता है, और साथ ही आप इसी के अंदर आपकी कार के रिलेटेड सभी ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन वगैरह को भी चेक कर सकते हैं, और नेविगेशन को भी आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। साइड्स पे आपको इसके मिल जाएंगे दो AC वेंट्स, और नीचे आपको यहाँ पे इसमें दिए गए हैं 5 बटन्स, जिसमें से सबसे पहले आपको यहाँ पे इसमें मिलता है हजार्ड लाइट के लिए, फिर आपको मिल जाते हैं फ्रंट टू पावर विंडोज़ के लिए, और साथ ही आप यहीं से इस कार को लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं, और साथ ही आपको यहाँ पे विंडो लॉकर भी इसके अंदर ऑफर किया जाता है। और कुछ ऐसा आपको मिलता है कंप्लीट लुक सेंटर लेआउट का। सिल्वर इंसर्ट भी आपको यहाँ पे इसमें मिलता है, नीचे आपको इसके AC कंट्रोल्स मिलते हैं, एंड मैनुअल AC कंट्रोल्स आपको यहाँ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर भी दिए गए हैं। AC कंट्रोल्स के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको इसमें मिल जाती है कुछ स्टोरेज स्पेस, जहाँ पर आपको एक 12 वॉट्स का पावर सॉकेट और साथ ही USB और AUX के लिए पोर्ट भी मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो स्टोरेज स्पेस दी गई है, उसके आगे आपको मिल जाते हैं दो बॉटल होल्डर्स, जिसमें से एक बॉटल होल्डर के अंदर मैंने रखा हुआ है अपना पर्सनल फेवरेट इन्वॉल्व 1 का परफ्यूम। अभी मेरे पास है इसका मस्क एडिशन, एंड रियली गाइस काफ़ी मस्त फ्रेग्रेंस है इसकी। और इसको कार के अंदर रखने के बाद आपकी कार के अंदर एक काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस क्रिएट हो जाती है, जिसको स्मेल करते ही आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट फील होने वाला है। और गाइस ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, इसे आप सिर्फ 345 रुपीज़ में involveyoursenses.com पर जाकर बाय कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको यहाँ पे फ्रेग्रेंस कंट्रोल लिड भी मिल जाती है, और किसी भी तरह की आपको यहाँ पे इसमें लीकेज की दिक्कत नहीं आने वाली है। और ऑल ओवर ये आपको काफ़ी अच्छी प्रीमियम पैकेजिंग के साथ ऑफर किया जाता है, एंड सबसे खास बात ये है कि एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो अगर आप भी इसे बाय करना चाहते हैं, तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, एंड इनकी कंप्लीट रेंज के ऊपर आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं द कार शो कूपन कोड यूज करने के बाद। चलिए अब इसको रख देते हैं वापस, एंड बात करते हैं इस कार के गियर बॉक्स की। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर 5-speed मैनुअल और 5-speed AMT का ऑप्शन मिलता है। ये AMT गियर बॉक्स है, जो कि मेरे को कहीं ना कहीं सबसे अच्छा पार्ट इस कार का लगा। और इसमें रिवर्स गियर लगाते ही आपको मिल जाता है आपके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले आपके 7 इंचेस के स्क्रीन के ऊपर, और अगर आप एज ए नेसेसरी इस कार के अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा इंस्टॉल करवाएंगे, तो आपको उसका डिस्प्ले यहीं पे इसी स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और गियर चेंज इंडिकेटर का इंडिकेशन भी आपको यहाँ पे इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है, और यहाँ पर आपको इसमें रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड ऑफर किया जाता है, एंड ड्राइव मोड के अंदर आपको यहाँ पे इसमें मैनुअल मोड भी दिया गया है। गियर बॉक्स की सराउंडिंग तो आपको यहाँ पियानो ब्लैक और सिल्वर कलर में मिलती है, और गियर बॉक्स का डिजाइन मेरे को यहाँ पे इसमें काफी बढ़िया लगा। चलिए अब देखते हैं गियर बॉक्स के पीछे क्या है। तो गाइस गियर बॉक्स के पीछे आपको मिल जाएगी हैंड ब्रेक, और हैंड ब्रेक के पीछे आपको यहाँ पे इसमें मिलते हैं रियर पावर विंडो के कंट्रोल्स। और अब बात कर लेते हैं इस कार के अंदर सीट्स की। तो यहाँ पर आपको इसमें फ्रंट के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता, आपको यहाँ पे फिक्स टाइप हेडरेस्ट की फ्रंट सीट्स के अंदर टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी दिया जाता है, एंड ऑल ओवर ब्लैक फैब्रिक फिनिश के अंदर आपको यहाँ पे इस कार के सभी वेरिएंट्स के अंदर सीट्स मिलने वाली हैं। एंड गाइस ये सीट्स आपको यहाँ पे इस कार के अंदर डिसेंट कंफर्ट और ऑल ओवर कुशनिंग ऑफर कर देती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार के अंदर सेफ्टी फीचर्स की। तो गाइस आपको मारुति सुजुकी सेलेरियो 2021 के अंदर ड्यूल एयरबैग्स ABS से DBD एज स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, और हिल होल्ड असिस्ट भी आपको यहाँ पे इस AMT वेरिएंट के अंदर ऑफर किया गया है। वारंटी पैकेज की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें 2 years एंड 40,000 kilometers की वारंटी इस कार के अंदर एज स्टैंडर्ड मिलती है, जैसे कि आप अप टू 80,000 और 4 years तक एक्सटेंड भी करवा सकते हैं।
चलिए अब चेक करते हैं इस कार के ग्लव बॉक्स को। तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर ग्लव बॉक्स के अंदर नॉर्मल स्पेसिंग देखने को मिल जाएगी, बट आपको यहाँ पे कोई भी कूलिंग वगैरह का फंक्शन इसमें नहीं मिलता है। और ऊपर आपको यहाँ सनसेट के अंदर दिया गया है वैनिटी मिरर। सेंटर में आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है मैनुअल डे एंड नाइट IRVM। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक हेलोजन रूफ लाइट मिलती है और उसके आगे आपको मिल जाता है ब्लूटूथ माइक। और इस साइड पर आपको यहाँ पे सनसेट के अंदर मिलता है एक टिकट होल्डर। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार के अंदर एक्सटीरियर कलर ऑप्शन की। तो यहाँ पर आपको इस कार में काफ़ी सारे एक्सटीरियर कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि रेड, वाइट, ब्लू, ग्रे, ब्राउन और सिल्वर। चलिए अब चलते हैं कार की बैक सीट में एंड चलकर चेक करते हैं इस कार का बैक सीट एक्सपीरियंस। तो ये गाइस इस कार का बैक डोर, एंड ये भी आपको यहाँ पे इस कार में मिल जाता है सेम फ्रंट डोर की तरह ही सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले मिल जाएगी कुछ स्टोरेज स्पेस आर्मरेस्ट के पास, और उसके नीचे आपको मिलता है एक बॉटल होल्डर और साथ ही एक स्पीकर भी। और ऊपर की साइड पे आपको यहाँ पे भी सिल्वर कलर के अंदर इसमें डोर हैंडल मिल जाता है। और इस कार का बैक डोर भी वाइड ओपन हो जाता है, तो कार के अंदर बैक सीट में भी एंटर या एग्जिट करने में आपको यहाँ पे कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर। तो गाइस कार के अंदर आते ही आपको यहाँ पे इसमें सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं दो फिक्स टाइप के हेडरेस्ट। एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको आगे वालों में ही नहीं मिलता, तो यहाँ पे तो क्या ही मिलेगा। सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी किसी भी वेरिएंट के अंदर ऑफर नहीं किया जाने वाला है। और कुछ ऐसा आपको मिलता है लुक बैक सीट का, और कुछ ऐसा आपको लुक मिलता है इसके डैशबोर्ड का बैक सीट से। एंड ऑल ओवर इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट इंटीरियर्स यहाँ पर आपको इस कार के अंदर मिल जाते हैं। ऊपर आपको एक लाइट दी गई है सिर्फ आगे की तरफ, और अगर बात करें नीचे की तो यहाँ पर आपको इसके नीचे की तरफ मिल जाते हैं पावर विंडो के कंट्रोल्स, जिनकी प्लेसमेंट मेरे को अगेन थोड़ी ऑड लगी। यहाँ पर आपको इसमें एक मैप पॉकेट मिल जाएगी सिर्फ उस साइड सीट के पीछे, और यहाँ ड्राइवर साइड सीट के पीछे आपको कोई भी मैप पॉकेट नहीं मिलती है। और अगर बात करें स्पेसिंग की तो गाइस मेरी हाइट फॉर रेफरेंस 6 फीट है, एंड कुछ इतनी स्पेसिंग मेरे को यहाँ पर इस कार में मिल पा रही है, तो डिसेंट स्पेसिंग है। थोड़ी और होती यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा रहता। एंड अगर बात करें सेंट्रल टनल की, तो यहाँ पर आपको मिडल पैसेंजर के लेगरूम में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी कम हम्प यहाँ पे आपको सेंटर में देखने को इसमें मिलता है। और ऑल ओवर इस कार की बैक सीट के अंदर 2 एडल्ट्स और 1 किड इसकी बैक सीट में बैठ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कार के बाहर एंड चलकर चेक करते हैं इस कार का बूट एरिया। तो गाइस इस कार के टेलगेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे इसमें सुजुकी के लोगो के नीचे मिल जाता है टेलगेट ओपनर। तो जैसे ही आप इसे पुल करेंगे आपका टेलगेट ओपन हो जाएगा। और अगर बात करें बूट एरिया की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें देखने को मिल जाती है पार्सल ट्रे, एंड टोटल स्पेसिंग आपको यहाँ पर इसमें बूट में मिलती है 313 लीटर्स की, जिसके अंदर आप 3 से 4 बड़े साइज के बैग्स आराम से कैरी कर सकते हैं। और इस कार की रियर सीट्स को आप 60-40 वे में स्प्लिट फोल्ड कर अपना बूट स्पेस और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। एंड अगर बात करें बूट लाइट की, तो वो आपको यहाँ पे इस कार के अंदर किसी भी वेरिएंट के अंदर ऑफर नहीं की जाने वाली है। एंड यहाँ पर आपको इसके मैट के नीचे प्लेसमेंट मिल जाएगी इसकी टूल किट, और साथ ही एक 14 इंचेस के स्पेस सेवर स्पेयर व्हील की टील व्हील आपको यहाँ पे इसमें ऑफर किया गया है। चलिए अब इसका टेलगेट बंद कर देते हैं एंड बात करते हैं इस कार के प्राइसिंग की। तो गाइस इस पर्टिकुलर कार मारुति सुजुकी सेलेरियो ZXi Plus AMT वेरिएंट का एक्स-शोरूम प्राइस है 6.94 लाख रुपीज, एंड ऑन रोड चंडीगढ़ में ही आपको पड़ेगी 7.70 लाख रुपीज की। और अगर आप इस कार का कोई और वेरिएंट कंसीडर कर रहे हैं, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इस कार के बाकी सभी वेरिएंट्स के एक्स-शोरूम प्राइसेस अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और अब प्राइसिंग देखने के बाद मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कार कैसी लगी, और साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में ही लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व वन के कार परफ्यूम्स का, जिस पे क्लिक कर आप इन्वॉल्व वन की वेबसाइट पे पहुंचेंगे, एंड वहां पर जाकर आप इन्वॉल्व वन के कार परफ्यूम्स को बाय कर सकते हैं। और वहां पर जाकर द कार शो कूपन कोड यूज़ करने के बाद आपको मिल जाएगा इनकी कंप्लीट रेंज के ऊपर फ्लैट 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो ये था गाइस 2021 मारुति सुजुकी सेलेरियो का डिटेल्ड वॉकअराउंड वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। And if you like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.